कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यही वजह है कि यूपी में एनडीए के खिलाफ अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले के दम पर मोर्चाबंदी तेज कर दी। 80 हराओ भाजपा हटाओ के नारे पर दम भरने वाली सपा ने मिशन 80 को लेकर सियासी बिसात बिछाने की तैयारी तेज कर दी है। एक बार फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पीडीए प्लान के दम पर हुंकार भरी और लिखा कि पीडीए मूल रूप से पिछड़े दलित व अल्पसंख्यक के शोषण उत्पीड़न व उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना व समान अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है जिसमें हर वर्ग के वे सब लोग भी शामिल हैं जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ है। अखिलेश यादव पीडीए को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहीं भाजपा अखिलेश के इस प्लान को हताशा बता रही है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है, वो सब फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। दरअसल लगातार पीडीए को लेकर बयानबाजी से अखिलेश यादव 2024 की तैयारी का संदेश दे रहे हैं क्योंकि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के दम पर 80% वोटर्स को साधने पर नजर है। यूपी में 52% पिछड़ा, 22% दलित और 20% मुस्लिम मतदाता है। अभी तक सपा अपने कोर वोट बैंक 20% मुस्लिम और 9% यादव के दम पर 34-35% वोट जुटा लेती है। वहीं भाजपा सवर्ण परंपरागत वोट बैंक के साथ गैर यादव ओबीसी और गैर जाटर दलित के साथ मजबूत कॉम्बिनेशन बनाकर 50% तक वोट पाने में कामयाब रहती है। ऐसे में अखिलेश की कोशिश है कि भाजपा से मुकाबला करने के लिए सपा को 40-45% वोट हर हाल में हासिल करने ही होंगे, नहीं तो यूपी में राह आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अलीगढ़ में भाजपा नेता ने एएमयू को लेकर बड़ा बयान दिया है जिसके बाद जिंदा की फोटो पर फिर से सियासी तनातनी बढ़ सकती है। अलीगढ़ में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद ने एएमयू में जिन्ना की तस्वीर को लेकर बड़ी बात कही। जो लोग इस विषय को अपने यहां रखे हुए हैं, बेहतर होगा जो स्वयं प्रेरणा से यह कार्य करें। हम चाहते हैं ताकि फोटो सिर्फ दीवार से नहीं उनके दिल से भी। सुधांशु त्रिवेदी ने एएमयू में कट्टरवादी सोच रखने वालों को नसीहत दी, साथ ही इशारों में राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला और मुस्लिम लीग को सेकुलर बताने वाले नेताओं को करारा जवाब दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पेज नंबर 403 पे लिखा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का भी मूल स्रोत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब सेकुलरिज्म के वो सूरमा। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर के बसपा ने कमर कस ली है और इसी मद्देनजर बसपा सुप्रीमो ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक। यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर बिसात बिछाने के लिए मायावती ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में पार्टी दफ्तर पर उन्होंने सभी मंडल प्रभारियों और जिला कमेटी के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई और संगठन की मजबूती और बसपा के जनाधार को बढ़ाने के निर्देश दिए। हालांकि मीटिंग के बाद बाहर आए नेताओं ने मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। सब कुछ सामने आ जाएगा, परेश ने उठा रहा जी, 23 तारीख को भाई परेश ने पहुंच रहा। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मायावती ने 2024 चुनाव के पहले वोट बैंक मजबूत करने को कहा, साथ ही गांव शहर से लेकर बूथ स्तर तक की समीक्षा भी की। मायावती ने इस बैठक में संगठन को फिर से मजबूत करने पर जोर दिया, खोए वोटर को एकजुट करने का प्लान बनाया, MY समीकरण को साथ लाने की योजना बनाई, पार्टी में युवाओं को जोड़ने पर जोर देने को कहा, मुस्लिम पिछड़ों को पार्टी में तरजीह देने के निर्देश दिए। जाहिर है 2024 को लेकर भाथी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान कर दिया है। एक और जहां मायावती ने 2024 चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है, वहीं पार्टी की रणनीति बदलने की कोशिश भी शुरू कर दी है। यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर बिसात बिछाने के लिए मायावती ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में पार्टी दफ्तर पर उन्होंने सभी मंडल प्रभारियों और जिला कमेटी के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई और संगठन की मजबूती और बसपा के जनाधार को बढ़ाने के निर्देश दिए। हालांकि मीटिंग के बाद बाहर आए नेताओं ने मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। सब कुछ सामने आ जाएगा, परेश ने उठा रहा भाई परेश ने पहुंच रहा। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मायावती ने 2024 चुनाव के पहले वोट बैंक मजबूत करने को कहा, साथ ही गांव शहर से लेकर बूथ स्तर तक की समीक्षा भी की। मायावती ने इस बैठक में संगठन को फिर से मजबूत करने पर जोर दिया, खोए वोटर को एकजुट करने का प्लान बनाया, MY समीकरण को साथ लाने की योजना बनाई, पार्टी में युवाओं को जोड़ने पर जोर देने को कहा, मुस्लिम पिछड़ों को पार्टी में तरजीह देने के निर्देश दिए। जाहिर है 2024 को लेकर भाथी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान कर दिया है। 2024 चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल ने सियासी घेराबंदी तेज कर दी है और जयंत चौधरी के निर्देश पर जिला इकाइयों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के धुरंधरों ने हुंकार भरी। यहां जिला मुख्यालय पर
जयंत के योद्धाओं ने न सिर्फ जमकर नारेबाजी की बल्कि गन्ना भुगतान, कर्ज माफी, आवारा पशु और बिजली के मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी की और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। हम लोग आह्वान करेंगे, सब लोगों से आह्वान करेंगे कि ऐसी सरकार जो किसानों को दुख देती हो सहूलत के बजाय उसकी मुखालफत करें और किसानों की मांगे, मजदूरों की मांगे पूरी हो, महंगाई घटे। यहाँ मेरठ में भी राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मांगे पूरी न होने पर राष्ट्रीय लोकदल ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी, वो फ्री बिजली दी जाए, ये मुख्यमंत्री जी के नाम घोषणा की है और इसके लिए पार्टी का जो आदेश होगा आगे चल के रालोद बड़े पैमाने पे अपना प्रदर्शन धरने प्रदर्शन का काम करेंगे। किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकदल ने प्रदर्शन तेज कर दिया है और मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन के आगाज की बात कही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।